बहुत लंबा लगा मुझे सिराघाट वाला। एक बार गए थे ना हम लोग, कब पहुंचे वो तो सही लंबा लगा। यहाँ तो गारंटी नहीं है, अभी बोल रहे तीन चार घंटा, अभी तो दो ढाई घंटा तो दो घंटा खुल जाएगा। दो घंटा तो काम करना और जाओ हीरो तीन चार किलोमीटर पहले रुका है, तीन जगह से आप लोग स्कूल से रिवर राफ्टिंग स्कूल से KNUGIC। अच्छा, जो सारे बच्चे एक ही स्कूल के हैं, KNUGIC के हैं, STS के हैं। अच्छा, सब एक ही स्कूल से आए हो आप लोग? सब्सक्राइब करना हो गया? बस ये लिंक ही अभी कर दे रहा हूँ मैम, ठीक है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन नहीं है लेकिन हो जाएगा। नदी की तरफ यहाँ से व्यू अच्छा आएगा। व्यू अच्छा आएगा, पहाड़ी पहाड़ आ रहा है यहाँ तो, नदी तो दिख नहीं रहा है। कौन से स्कूल से आए हैं आप लोग? हम आए KNUGIC से। स्कूल का नाम कर दो। अगर आप मेरी खूबसूरती का राज जानना चाहते हो तो हिमालय मैम के चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मैम को बता दूंगा। मैं आया हूँ KNUGIC से, मैं बदमाश हूँ। सारे स्कूल एक ही सेम तो स्कूल से आए हो? अच्छा, अलग अलग है। देव सिंह स्कूल के। अच्छा, नाम बदनाम करो। इन लोगों ने एक हफ्ते के लिए आया ना, एक हफ्ते के लिए? हाँ, एक हफ्ते। चलो बढ़िया है, पूरा सरकारी तरफ से है। अच्छा तो है, फिर कुछ सीखने को मिल रहा है। ट्रेनर भी तो होंगे? हाँ, ट्रेनर है। ट्रेनर होंगे, वो सिखा रहे होंगे। अच्छा लगा? यस मैम। फर्स्ट दिन कैसा लगा? मैम बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, चलो बढ़िया है। सब्सक्राइब करना सब लोग, सारे बच्चे। ओके, मिल गया, अच्छा लगा। ओके बाय, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। ओके, हम लोग घाट में खाना खा के निकल चुके हैं। अभी पता नहीं है रोड खुली है कि नहीं खुली है, लेकिन साइड से निकलने दे रहे हैं कि ड्राइवर साहब लेके जा रहे हैं। अब ऊपर जाके पहुंच के ही पता चलेगा कि हम लोग आगे निकल पाते हैं कि थोड़ा रोकना पड़ता है। अभी तो 5 घंटा भी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी। अभी आगे कह रहे थे कि ऊपर कोई सोया है, कोई परेशान है, कोई ताश खेल रहा है, कोई खा रहा है, कोई लेटा है, और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है आने वाली गाड़ी की और जाने वाली गाड़ी, दोनों गाड़ियों की। वो कहाँ गया अभी? अभी तक तो हम पिथौरागढ़ पार कर लेते हैं, लेकिन रोड खराब होने से बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं। घाट से हमारी गाड़ी निकल चुकी है तो पिथौरागढ़ की ओर। हनुमान वापस चला गया क्या? अरे बाइक वाला भी बहुत पिया यार, क्या कैसे जाएंगे वो? अरे ऐसे मत जाओ ना, खाली पहाड़ों में तो ऐसे खतरा होता है। अभी हम पहुँचने वाले नहीं, अब अभी हम लोग ने बहुत उल्टी की लेकिन खाना नहीं। नाश्ता किया और नाश्ता सब निकाल दिया, लेकिन अब खाना भी खाया है। अब आगे ड्राइवर के हाथ में भैया, ड्राइवर ने खा रहे मतलब धोने किया धोने नहीं किया बोलो ना। ड्राइवर ने तो जम के खा रखा है और हमने एक एक रोटी खा रखी है बस। रोटी होता हमने तो खाई नहीं, खाया है हमने। सबने उल्टी किया और सबने भी खाया। गाड़ियाँ बहुत बहुत लाइन लगी है, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल चुके थे कि आगे बहुत ज्यादा लाइन लगी है, लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन तो यहीं से लगी हुई है, देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है घाट में। जहाँ रोड ब्लॉक हुआ है वहाँ हम पहुँच चुके हैं और ये कुछ पार नहीं हो रहा भाई, सब खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब देखो आगे जाके ऐसा होता ना, जो घुस के जाता है ना वो लोग और ज्यादा जाम लगा देते आगे, क्योंकि गाड़ियों के निकलने का भी तो रास्ता चाहिए। यहाँ से व्यू बड़ा सुंदर लग रहा है, बीच में नदी, चारों पहाड़, ढलता हुआ सूरज। आर्मी की गाड़ियाँ लाइन से खड़ी। ड्राइवर तो ऐसे ले जा रहा है जैसे सीधे धारचूला नॉन स्टॉप ले जाएगा, लेकिन आगे देखते हैं। सबके लिए गाड़ी रुकी है लेकिन हमारे लिए नहीं रुकी है। हमारा ड्राइवर बीच में मत अटका देना, सबका गाड़ी रोक देगा फिर। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, एक बजे से यहाँ रोड ब्लॉक है। ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर आया है, एक ट्रक के बराबर कह रहे हैं। पहले उसको फोड़ेंगे, उसके बाद फिर नीचे को फेंकेंगे। तो काफी बैंड है, तो सारे बैंड में ऐसे ही लग रहा है ये रोड ब्लॉक।
क्योंकि पत्थर जो है एक बैंड में आ रहा है, फिर दूसरे बैंड में, तीसरे बैंड में, तो थोड़ा ऊपर ऊपर ही बहुत ज्यादा। अब यहाँ का तो ठीक है, देखो एक तो रोड चौड़ा करने के चक्कर में ब्लास्ट करते रहते हैं, तो इस वजह से चट्टाने बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिस वजह से बार 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 रोड ब्लॉक हो जाता है। इतनी लंबी लाइन है कि पूछो मत, एक बजे से लाइन लगी हुई है, होटल वालों के खाना पीना सब खत्म, और यहाँ कोई धूप में खड़ा है तो कोई बेचारे एक बजे से वेट कर रहे हैं, भयंकर ही। पता नहीं कितने 6 बजे तक खुलेगा बता रहे हैं, हम लोग को आए हुए तो हो गया 1-1.5 घंटे, लेकिन यहाँ से कई लोग वापस जा रहे हैं, कोई खाने के चक्कर में, कोई नहाने के चक्कर में, सरयू नदी के किनारे नहाने भी चले जा रहे हैं लोग। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, देखिए कहाँ से लाइन लगी थी और आगे तक दिख भी। इसी आगे हम नहीं जा सकते। आगे जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ जाना तो खतरा ही है, जब साफ हो जाएगा तब। ये तो एक साइड की लाइन है, दूसरी साइड की लाइन तो दिख ही नहीं रही है अभी, जो ऊपर से आ रही है धारचूला पिथौरागढ़ से। बहुत ज्यादा लोग फंस गए हैं भैया, ये देखो टू व्हीलर वाले तो निकल जा रहे हैं, टू व्हीलर वाले निकल जा रहे हैं, फोर व्हीलर वाले फंसे हैं सारे। आर्मी की गाड़ियां हैं, पर्सनल गाड़ियां हैं, ट्रेवल्स हैं, बहुत ज्यादा। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना खाने पीने का कुछ नहीं है यहाँ, तो काफी लोग वापस जाके खाना वाना खा के आ रहे हैं। पिथौरागढ़, धारचूला, ट्रेवल्स, सारी पर्सनल गाड़ियां, आर्मी की गाड़ियां। अभी तक तो हम जल्ज भी पहुंच जाते, जल्ज भी पहुंच जाते, लेकिन अभी तो घाट में ही रुक गया, पता नहीं आज लगता है 11-12 बजे पहुंचेंगे। बहुत लंबा जाम, खाली बैठे हुए हैं। आज रेस्ट करने का मौका मिल गया और बढ़िया तरीके से खाने का मौका मिल गया, नहीं तो और दिन तो अभी तक तो दौड़ लगा रहे हुए थे। आज बहुत आराम से खुल के मजे से खाया है, पता नहीं मजा नहीं आया, पसीना छूट गया, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है। 1 बजे से यहाँ फंसे हुए हैं, अनगिनत गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर। और दीदी के ब्लॉग में लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ओके करके, सबसे पहले आप लोग करो फिर और लोग करेंगे। हम तो कीपैड वाले है, उसमें भी हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा। बहुत सारी गाड़ियां हैं, अनगिनत गाड़ियां, आगे तक दिख ही नहीं रही है, एक साइड की गाड़ियां, दूसरी साइड की तो उधर साइड को भी बहुत होगा। अभी जब रोड खुलेगा ना, होड़ मचेगी, तब पता चलेगा, फिर सभी लोग आगे आगे जा रहे हैं, उधर से आने के लिए भी तो जगह चाहिए, रास्ता चाहिए। ये भाई साहब कह रहे हैं 12 बजे से यहाँ फंसे हैं, ये 1:30 बजे से यहाँ फंसे हैं, आप 12:01 से 12:01 से फंसे हैं, और हम लोग फंसे हैं 2:30 बजे से, 2:30 बजे से फंसे हैं। तो हमारा ड्राइवर बहुत खुश हो रहा है, कह रहा है कि मुझे कम टाइम के लिए यहाँ पर फंसे रहना पड़ा, देर से आए तो क्या हुआ, अच्छा तो हुआ कह रहा है वो। आज हल्द्वानी से लेट हो गए थे, 9 तो वहीं बज गया था, 9:30 बजे, हाँ 9:30। आज मैं ये पंचाचुली जो आगे, क्या पंचाचुली आगे, आई लव पंचाचुली वो गाड़ी का नाम है, देखो अच्छा, आई लव पंचाचुली आजकल का फैशन हो गया, आई लव गुंजी, आई लव पंचाचुली, आई लव धारचूला, और ये आई लव DCL, इस गाड़ी के ये है ड्राइवर। और आप बताइए यहाँ का आपको कैसा, हसमुख के लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज। नहीं, इस रूट में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है, या आसान है, या मजेदार है, या फिर कैसा है बताइए तो। नहीं, हड्डी डोर अभी कमर का उस हिसाब से, मतलब वो भी है, मतलब आपका जो इनकम ऐसा ही होता है, सवारी अपना फायदा देख रहा है, सस्ता नहीं सुरक्षित नहीं चुनते हैं। अरे यार सवारी क्या फायदा देखती है बताओ, सवारी को तो एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, बस हो गया। सवारी सस्ता कोई नहीं देखता है, जितना आपका रेट होगा उतना ही तो देखता है, बार्गेनिंग थोड़ा करता है। एक बार बताओ, गाड़ी वाले से बार्गेनिंग का भी नहीं होती है, सामान थोड़ा लेते हैं, कौन कहता है नहीं, वो आपके परिचित होते होंगे, खास होते होंगे, सीट रखते हैं 6 और 7 के जीरो हो गया। अरे मैं 5 बजे से वेट कर रही हूँ, 7 बजे आया ड्राइवर, हम लोग को भी बात है, ये फिर माल से बात की, फिर माल ने कुछ नहीं बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, सीधा इसको बोला, मैंने फ्रंट वाला सीट बोला था और फिर बीच में बैठ के आना पड़ा, सबको उल्टी हो रही है, उल्टी हो रही है, घर के लोग ही तो एडजस्ट करते हैं, इसकी वजह से ना फ्रंट से तो दिख पाया, वहाँ तो साइड से दिख ही नहीं रहा था कुछ। ये देखो एक से एक हमारे ड्राइवर सारे, ये एक से हीरो हीरो टाइप के ड्राइवर है सारे हमारे, धार चला के 6 बजे में पहुंच गया, अरे धार चला के चलो खुल गई, खुल गई। घाट का व्यू देखिए यहाँ से, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ।
और ये जो कट मार्क दिख रहा है वो रोड है आगे, और नीचे नदी, सरयू नदी कहा, घाट वाली नदी है ये। सब लोग रुके हुए हैं, सब लोग अभी तक तो हम लोग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी का सफर ऐसा हो जाता है थोड़ा परेशानी वाला। रोड ब्लॉक होने की वजह से बहुत लोगों से मुलाकात हो गई। गाड़ी में तो मैं पहले अकेली थी, फिर प्रेम आदि आई, अब यहाँ शर्मी और सोनल लोग मिल गए हैं घाट में। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, 12 बजे से रोड ब्लॉक है, 6 बजे तक खुलने के आसार हैं। अब 6 बजे भी खुलेगा नहीं खुलेगा ये पता नहीं है अभी। यहाँ देख तो सोनल, यहाँ देख, हाथ मिला, हो गया खाना दे रही हूँ क्या, हो गया। सोनल की बहन सोई है और सोनल को फेस दिखाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, मान नहीं रही है। हमारी बहू बहुत शर्मीली है। रोड खुल चुका है, हम लोग निकल चुके हैं, घाट में फंसे हुए थे 12 बजे से लोग। देखिए कितनी भीड़ आगे, तो बहुत भीड़ है भैया, खूब लग गई है गाड़ियों की। पहले मैं देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, भयंकर जाम था आज। उल्टी नहीं आने वाली टॉनिक ले ली है, आवाज भी खुल के बाहर आने वाली, बुलंद आवाज। पहले तो दबी दबी आवाज में बोल रहा था, अभी तो खूब तेज बोल रहा है। दीदी से बड़े हो आज में बात। थी जो बहुत देर से जाम में फंसी हुई थी, अभी बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। बहुत लंबा जाम, बहुत ही लंबा जाम लग गया है। जाम तो खुल गया, आगे मुर्गियों की गाड़ी जा रही है बहुत भर के। यहाँ सब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि स्मेल आ रही है। लेकिन सीएम साहब को आभार है, फोर लेन कर दिया है, बहुत बढ़िया फोर लेन तो कर दिया, लेकिन टाइम टाइम पे जो ब्लॉक होता है ना, उससे जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। बरसात में तो होता ही है, लेकिन ऑन टाइम पे जो रोड बंद है ना, ब्लास्टिंग होता है, उस वजह से भी होता है। जहाँ आप चाहो जो आप इतने बड़े बड़े पत्थर आए थे, और बहुत बड़ा पत्थर था, ये तो मशीन से फोड़ा गया है पत्थर, और ऊपर एक पत्थर ऐसे बीच में अटका हुआ है, पता नहीं कब खसकेगा। चलो भाई फटाफट गाड़ी निकालो, बात करो पत्थर आएगा तो। ये देखो इतना बड़ा पत्थर बीच में फंसा हुआ है, खसक गया तो हो गया। चलो चलो फटाफट निकलो यहाँ से। ये देखो ना, ये रोड पहाड़ों में जो दिक्कत होती है ना, ये रोड ब्लॉक की बहुत ही गंदी दिक्कत होती है। चलो 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 चलो, बिल्कुल सेंटर में देखो ना भाई साहब, ये पता नहीं कब लुढ़केगा नीचे, थोड़ी बारिश हुई तो नीचे लुढ़क ही जाएगा ये। हम बिल्कुल इस पत्थर के बिल्कुल साफ में खड़े हैं अभी गाड़ी, और भैया ऐसे धक 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 हो रहा है डर के मारे, डर के मारे हार्ट बीट सब की बढ़ गई है, ड्राइवर परेशान हो रहा है। ऐसा बोलोगे छाले का छड़ाई टाइप लग रहा है ये। बहुत बड़ा पत्थर था ये, तो मशीन से तोड़ा गया है तब जाके इतने टुकड़े नजर आ रहे हैं। सुबह 12 बजे से अभी शाम के 6 बज गए बताओ।
तो इतना पक्का बना हुआ है, नीचे से देखिए चिनाई कितनी लंबी है इसकी, पत्थरों की चिनाई है बहुत ज्यादा, डबल ट्रिपल पता नहीं कितना है चिनाई इसमें, उसके बावजूद भी रोड ब्लॉक टाइम टाइम से होता रहता है। मेरे ख्याल से ये ब्लास्ट की वजह से भी होता होगा ना, बार बार जो ब्लास्ट होता है उससे रोड सारे हिल जाते हैं पहाड़ों में। हाँ, पत्थर के सामने खड़ा कर दिया, बताओ भाई साहब, पत्थर आएगा तो ना हम गाड़ी से बाहर निकल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, अंदर ही बैठेंगे। ये देखो ना, ये बिल्कुल सामने, ये पत्थर यहीं पर ही है, यहीं पर ही जाम फिर अटक गया, क्योंकि ये ऐसे ही होता है ना, इधर से जाने वाली गाड़ियां लगातार आगे घुस रही है, उधर से भी गाड़ियां घुस रही होगी, स्पेस ही नहीं होगा गाड़ी पास होने का, तो यही होता है। ऊपर से नीचे आने वाली गाड़ियों ने गलत अपना लिया ना साहब, बीच में से वो हो गया, जाम फंस गया, यहाँ से भी लगातार गाड़ियाँ निकल गई, होड़ लग गई है कि जल्दी जल्दी जाना है, कि क्रॉस करना है जहाँ रोड ब्लॉक है, लेकिन वहाँ वाले भी गलत उससे आ गए ना टर्न करके, इस वजह से फंस गई गाड़ी। अभी तो मौसम सही है, बारिश होती तो और दिक्कत हो जाता। घाट के पास है ये, फोर लेन है रोड, बहुत चौड़ी रोड है, चार चार गाड़ियां एक साथ ही जा सकती है, आठ आठ गाड़ियां, लेकिन ये है कि रोड ब्लॉक की वजह से फोर लेन है, फोर लेन हाईवे है, हाईवे डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, घाट में ये रोड ब्लॉक होके फंसे हैं हम लोग। ऊपर देखिए इतना बड़ा पत्थर है, और ये कब लुटकेगा पता नहीं है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आगे भी पीछे भी गाड़ियां बहुत लंबी लाइन में फंसी हुई है रोड ब्लॉक की वजह से। 7 बज चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़, पौने 11 बजे हम पहुंच चुके हैं धारचूला, और पहुंचने के बाद अपना फ्रेश होके खाना खा लिया मैंने, और अब आज का जो सफ़र है बहुत ही थकान भरा रहा, बहुत ही ज़्यादा, और घाट में जो रोड ब्लॉक हुआ है उससे बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत परेशानी हुई, और बहुत ही लंबी लाइन थी जाम की, और 6-6 घंटे तक फंसे रहे वहाँ, हम तो लगभग 4 घंटे फंसे होंगे, लोग 6 घंटे तक भी फंसे, और 4 या 3.5 घंटे ऐसे फंसे होंगे, और बहुत थकान भरा सफ़र रहा। कल और एक सफ़र में जाना है, बारिश हो चुकी है, हो सकता है कल, देखते हैं अब रोड कैसा रहता है, वैसे सही रहेगा, हम निकल जाएंगे सुबह। आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, गुड नाइट, टिल देन, बाय बाय।